जी को भी मोह हो गया। तो जीव तो कभी भी भूल सकता है, जीव तो कभी भी भटक सकता है। आप दो कदम पीछे रह गए मुझसे, मैं और दो पग आगे था। मैंने कहा सावधानी अर्थात क्या? बहुत बार साधना को केवल शरीर का ही धर्म समझ लिया जाता है, केवल स्नान कर लेने से स्वच्छता आती है, पवित्रता नहीं आती। स्नान से स्वच्छता है, पवित्रता नहीं। पवित्रता के लिए तो एक ही युक्ति है, और पवित्र हुए बिना भजन में बैठा नहीं जा सकता। पवित्र हुए बिना भजन में बैठा नहीं जा सकता। आप देखो शरीर की दृष्टि से तो शबरी किसी भी भांति पवित्र नहीं हो सकती थी। जिस कुल में जन्म मिला, अधम ते अधम अधम अति नारी के ही विधि अस्तुति करो तिहारी। पहले तो मैं स्त्री हूं, फिर अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम कुल में नीच कुल में मेरा जन्म हुआ, के विधि अस्तुति करो तिहारी। इसकी युक्ति महाराज ने बताई है, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। श्रीमद् भागवत कहती है बिना महत पाद रजो अभिषेकम। आपने कभी महादेव का अभिषेक किया होगा? कैसे पात्र में जल भरकर और फिर धारावत उनका अभिषेक किया जैसा है, ऐसे श्रीमद् भागवत कहती है बिना महत पाद रजो अभिषेकम। साधु की चरण धूल से अपना अभिषेक किए बिना किसी भी युक्ति से मन निर्मल नहीं होता। और कल भी मैंने कहा भगवान ने तो बड़ी चतुराई भरी बात कह दी। बोले हमको तो काम क्रोध से भी कोई झंझट नहीं है, हमको तो लोभ मोह से भी कोई परेशानी नहीं है, आपके मन में जो हो सो रखना, पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मन निर्मल हो और सरल हो जाना ही भाई सबसे कठिन है, सबसे कठिन सरल हो जाना है। ये बिना साधु संग के नहीं होगा। इसीलिए स्वामी हरिदास जी कहते हैं के हित कीजे साध संगति सो जावे कलमस जी को, जावे कलमस जी को। भाई जलता हुआ दीपक यहां रखा है, बुझा हुआ दीपक जल जाए के तो बुझे हुए दीपक को कोई जलते दीपक के पास ले जाए, और के जलते दीपक को कोई बुझे दीपक के पास ले आए। एक ही तो युक्ति है। यदि दोनों दीपकों को प्रकाशित करना चाहता है कोई, तो एक ही तो युक्ति है के तो जीव प्रभु के निकट पहुंच जाए, के प्रभु जीव के निकट आ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ना जीव कहीं जाए और ना प्रभु कहीं आए, सत्संग में आकर बैठिए, ये सुयोग ये मेल अपने आप मिल जाता है। आप यहां सत्संग में आकर बैठिए, भगवान ही कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा आपे सरधा आपे चरण कमल तेरे तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाल। श्रीमद् भागवत बिल्कुल यही बात कह रही है। हमारे ध्रुवदास जी भी कहते हैं जिनके ही ये बसत हैं श्री राधा वल्लभ ला, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सबका। इसलिए कल दो पंक्तियां मैंने आपके साथ मिलकर और गुनगुना दी थी, बेड़ा पार लगा ले तू बंदिया सतगुरा दे लड़ लग के, कुछ नाल ना जाना है नाल ना जाना है, सब कुछ रह जाना इस जगते, ए पुल्ला बख्श देंदे बख्शन हारे मैं बलिहारे हारे।
मेरे साहेब दे रंग निहारे, मैं बलिहार मैं जावा वा। गई गई गई। मैं बहुत छोटा था तो श्री राम शरणम में जाता था सत्संग में, बड़ा मधुर कीर्तन होता था एक वहां पर कि जोत से जोत जला लो। यही उदाहरण मैंने अभी आपको दिया कि एक क्या भेद है एक एक साधारण मनुष्य में और एक संत में। एक बुझा हुआ दीपक है, एक जलता हुआ दीपक है, लेकिन ध्यान देना बुझे हुए दीपक में प्रकाश की संभावना है। ऐसा नहीं कि उसमें प्रकाश हो नहीं सकता, हो सकता है यदि उसका उसे संग मिल जाए जलते हुए दीपक का, तो फिर वो भी प्रकाशित हो सकता है, फिर वो भी प्रकाशित हो जाता है। दीपक सो लग दीपक हुई, लाली मेरे लाल की और जित देखो तित लाल। कबीर कहते घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, कोई ऐसा नहीं। पहले दिन मैंने कहा था पापी से पापी कुटिल से कुटिल, उसको संसार का सम्मान भले न मिल सके पर भगवान मिल सकते हैं। वो संसार के योग्य हो ना हो भगवान को मिलने के योग्य है, क्योंकि मनुष्य है वो। तो बुझा हुआ दीपक सही पर उसमें प्रकाश की संभावना है, उसको उसको कोई कोई दो घड़ी का एक क्षण का संग करा के उसे प्रकाशित कर सकता है। और बात जब गुरु साहिब की हो तो महाराज का तो महाराज की तो उपासना पद्धति ही गाना है। कलयुग महा कीर्तन प्रधाना, कल भी मैं कह रहा था ना, जब से ये वाणी प्रगटी तब से आज तक गा गा कर इन इन शब्दों को गा गा कर जाने कितने उस पार पहुंच गए और कितने पहुंच जाएंगे गाते गाते। ये जो गान है ना, ये बिखरी हुई ऊर्जा को बड़ी शीघ्र समेट लेता है। आप बड़ी बड़ी शीघ्र आप भावना के धरातल पर पहुंच जाते हैं संगीत के साथ साथ। ये बड़ी सरस विद्या है, रस रूप है, भाव रूप है। और मैं तो कई बार कहता हूं भाई, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। प्रेम के बाद जीवन में संगीत ही तो प्रकट होता है, जीवन का संगीत, शाश्वत संगीत। प्रेम के राग में ही तो बंधे हैं ये सब शब्द, तभी तो जब गाइए तब भीतर गोता लग जाए। और मेरे साथ साथ आप गाने लगे कहना ही क्या, ये सत्संग सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, कि ये प्रेम का गीत गुनगुनाना सीख जाए आप। गाइए, बेड़ा पार लंगा ले तू बंदिया सतगुरां दे लड़ लग के, बेड़ा पार लंगा ले तू बंदिया पर एक बात है भाई, आपकी आवाज में मुझे इतना आनंद नहीं आता। कितने संख्या में बैठे हो आप यहां पर, किस लिए? बेड़ा पार लंगा ले तू बंदिया सतगुरा दे लड़ लग के, बेड़ा पार लंगा ले तू बंदिया सतगुरा दे लड़ लग के। कुछ कुछ नाला जाना है, नाला जाना है, सब कुछ रह जाना इस जग ते, कुछ नाला जाना है, सब कुछ रह जाना। ए भुला बख्श देंदे बख्शन हारे, बख्शन हारे मैं बलिहारे। ए भुला बख्श देंदे बख्शन हारे, बख्शन हारे मैं बलिहारे। थोड़ा सा थका भी हूं, आपको साथ देना चाहिए मेरे। ए पुल्ला बख्श देंदे बख्शन हारे,
बख्शन हारे मैं बलिहारे मेरे साहेब दे रंग निहारे मैं बलिहारे मैं जामा मारे मेरे साहेब दे साहेब दी वटियाई की करी जावा मैं साहेब दी वटियाई जिन कखा दी कमाई विच बरकत पाई जिन कखा दी कमाई विच बरकत पाई। अभी बता रहा था ना मैं आपसे, किसी ने पूछा कि गुरु के आने से पहले भी वही नाम था और गुरु ने भी वही नाम जपने को कहा। एक होता है कमाना और एक होता है कमाई में बरकत पड़ जाना। गुरु के जीवन में आने से सुमिरन में बरकत होती है भाई, खर्चे ना खूटे वहां को चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा गुरु के मिलने के बाद कहती हैं, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, कृष्ण नाम तो मीरा जन्म से सुन रही थी गा रही थी, पर गुरु मिला तो कहा मीरा ने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। और ऐसी कमाई खर्चे ना खूटे वहां को चोर ना लूट है दिन दिन बढ़त सवायो, गुरु तुठ है सब कुछ पाइया जन नानक नजर निहाल। गुरु कृपा भरी दृष्टि से देखता है ना भाई, सुमिरन में बरकत पड़ती। दो कमाओ तीन खर्च हो जाए तो कमाने में कोई सुख है बताओ? यहां से कमाया और यहां से गवाया, क्या सुख है इसमें? कमाने का सुख तो तभी है ना जब संपत्ति बढ़े, दिन दूनी रात चौगनी बढ़े। ऐसे सुमिरन की संपत्ति बढ़ती है, बरकत पड़ती है गुरु की कृपा भरी दृष्टि से। करी जावा मैं साहेब दी वटियाई की करी जावा मैं साहेब दी वटियाई जिन कखा दी कमाई विच बरकत पाई जिन कखा दी कमाई खांदी कमाई बिच बरकत पाई। ए हाथ फड़ला देंदे आप किनारे मैं बलिहारे एक बार ऐसी ताली लगाते हो और अच्छे स्वर से हाँ मेरे साहेब दे रंग निहारे मेरे साहेब दे रंग निहारे मैं बलिहारे जावा मारे मेरे साहेब दे रंग निहारे मैं बलिहारे जावा मारे। बस आपका यही स्वर सुनने के लिए मैंने कह दिया था मैं थोड़ा थका हूं। मैं थकता नहीं, मैं कभी नहीं थकता, केवल आपके लिए कहा था मैंने, मैं नहीं थका। और उसकी मेहर रहे और आपके साथ ऐसे ही जब तक जीवन है जब तक सांस है तब तक गाऊं। हर कृपा तेरे गुण गा कर कृपा तेरे गुण गा कर कृपा तेरे गुण गा कर कृपा तेरे गुण गा नानक नाम जपत सुख पा नानक नाम जपत सुख पा नानक नाम जपत जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा हर कृपा तेरे गुण गा कर कृपा तेरे गुण गा कर कृपा तेरे गुण गा कर कृपा बहुत अधिक अनुभव तो मेरे पास नहीं है,
पर कुछ अनुभव अवश्य जीवन में होते हैं जो सत्संग की महिमा का बोध कराते हैं। कभी कभी बहुत लंबे समय तक यात्रा में रहना पड़ता है, आज यहां कल वहां, तो कई बार अगर कभी श्रम होता भी है, थोड़ी थकावट होती भी है, तो व्यासपीठ पर बैठने से पहले होती है। यहां से जाने के बाद, जैसे अभी आप गा रहे थे, मेरे साहिब दे रंग न्यारे में, साहेब दे रंग न्यारे मैं बलिहार में जावारे, मेरे मालिक दे रंग न्यारे मैं बलिहार में जावारे। खोजना किसे है? मैंने कहा ना कि उपलब्धि जीवन की क्या है, नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया। गुरु मिलना उपलब्धि है, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, सतगुरु पूरा पाया, गुरु पूरे बजी बधाई और नानक जिता बिखाड़ा जीव। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सिसला, गुरु पूरे बजी बधाई, गुरु पूरे बजी बधाई, नानक जिता बिखाड़ा जी, तू मेरा रा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, कांपो के पहले भी मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था कि आपको किसी ने भोजन पे बुलाया, आप पहुंच गए, लेकिन समय का फिर आप पहुंचे, आपके उदर में पीड़ा हो रही है और वो आपको 56 भोग परोस रहा है। आप कहोगे भैया पहले औषधि दे, पेट में भयंकर पीड़ा है, भोजन की इच्छा नहीं है, पहले पहले औषधि दे, पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। तो जो संसार का मल है, जो संसार का ताप है जिससे तपाए जीव, वो जो वासना है जिससे भटक रहा है, सुख नहीं पाता, पहले तो कोई ऐसा मिले जो आपको औषधि देकर स्वस्थ कर दे तन से मन से। इसलिए मैंने कहा जिसके निकट बैठ कर, जिसके समीप जाकर तन व्याधि से मुक्त हो जाए, मन उपाधि से मुक्त हो जाए, चित्त विक्षेप से मुक्त हो जाए, बुद्धि संशय से मुक्त हो जाए, आत्मा आवरण से मुक्त हो जाए, जिसके पास बैठकर तन प्रसन्नता से युक्त हो जाए, तन प्रसन्नता से युक्त हो जाए, मन निर्मलता से युक्त हो जाए, बुद्धि श्रद्धावती हो जाए, चित्त निर्विकार हो जाए, स्थिर हो जाए, आत्मा आनंदमय हो जाए। मोहे सुहागन की
प्रेम भटी का मधुआ पिलाए के प्रेम भटी का मधुआ पिलाए के प्रेम की भट्टी। ऐसे कबीर ने कहा ना, भाव सरोवर नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर, और ऐसा रंग रंगा मेरे प्रीतम रंगी खूब झकझोर। प्रेम भटी का मधुआ पिलाए के प्रेम भटी मधुआ पिलाए के। इसीलिए शीघ्रता ना करना, इस जन्म में ना मिले तो भी शीघ्रता ना करना। ऐसा थोड़ी होता है कि अब कहीं पर पीड़ा हो रही है, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको पीड़ा निवारण करने की औषधि ना मिले तो कोई भी औषधि खा लोगे, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे करना भी नहीं चाहिए, कभी भी मत करना, यहां कैसे आओगे नहीं तो। ऐसे थोड़ी कोई भी औषधि खा लो, मैंने कोई भी गुरु जैसा दिखता हो, औषधि सी दिखती हो कोई वस्तु तो ऐसे खाने नहीं जाती। औषधि के स्थान पर औषधि की ही आवश्यकता है। इट शुड बी प्रिसाइजली प्रिस्क्राइब्ड एंड अगेन बाय अ डॉक्टर, वैद्य के द्वारा दी जाने वाली औषधि हो। हाँ ठीक है भाई, भव का रोग है और गुरु के चरण रज औषधि है, पर औषधि हो, औषधि के जैसा लगने वाला कुछ ना हो, और हानि होगी, जीवन ही हाथ से ना चला जाए। मैं कई बार कहता हूं, धन की हानि हो चिंता नहीं, समय की हानि ना हो, श्रद्धा और विश्वास की हानि ना हो। जिससे युक्त होकर आपको भजन करना है, आपको साधन संपन्न होना है। और जिस दिन देख लेंगे प्रभु कि आपकी इच्छा पवित्र हो गई है, बड़ी गंभीर बात है, इसका विचार करना आज हो सके तो जाकर। प्रसन्न हो जाएंगे प्रभु जब देख लेंगे अब आपकी इच्छा पवित्र हो गई है, आप प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते, और आप वस्तुतः भजन ही करना चाहते हैं। जिस घड़ी भावना निर्मल हो जाएगी, उस घड़ी कोई विश्वामित्र आपके लिए भी उनका हाथ पकड़कर आपके द्वार तक ले आएगा। बड़े विश्वास से कह रहा हूं ये बात, में कोई विश्वामित्र ले आएगा उनका हाथ पकड़कर, जिस घड़ी आपकी भावना निर्मल हो जाएगी, आपको उनके अतिरिक्त नहीं चाहिए कुछ और उनके अतिरिक्त कुछ और चाहिए तो गुरु मिल भी जाए तो क्या करोगे, मिल भी जाए गुरु क्या करोगे। मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, उसकी महिमा जानी नहीं जाएगी, उसकी महिमा जानी नहीं जाएगी। एक बड़ी सुंदर बात महाराज ने लिखी है, महाराज लिखते हैं, जो गुरु दिया सो मन का काम, उससे कोई और कार्य नहीं होता। गुरु से जो मिला, जो कृपा, जो प्रसाद, जो मंत्र, जो उपासना, जो पद्धति, जो सत्संग सेवा सिमरन का प्रसाद गुरु ने दिया है, उससे कोई और कार्य साधने का प्रयास ना करना। गुरु जो दिया सो मन का काम, और संत का कहया सत कर मान। गुरु का वचन सदा अविनाशी, और गुरु के वचन कटे जम फांसी। गुरु का वचन जीव के संग, और गुरु का वचन रचे राम के रंग। तू मेरा राखा सबनी पाई तापो के काड़ा। गुरु का वचन जीव के साथ, गुरु का वचन अनाथ को नाथ। गुरु के वचन नरक नहीं पावे, गुरु के वचन रसना अमृत रा। गुरु के वचन नरक नहीं पावे। मेरे पास बल नहीं था ये घोषणा करने का, महाराज की वाणी का आधार लेकर मैंने कहा, गुरु मिले और जीव उसके बाद माता के गर्भ में आए ये संभव नहीं है। सतगुरु के मिलने के बाद फिर संसार में जीव आए, फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, माने गुरु नहीं मिला, वो गुरु के जैसा कोई और होगा। ऐसे अभी उस दिन मैं कहां पढ़ रहा था, बोले अमेरिका में एक पशु है
लगता गाय के जैसा है लेकिन गाय नहीं है, दूध भी देता है, दूध भी गाय के जैसा ही दूध होता है लेकिन वो दूध नहीं होता। आप और मैं खूब पी रहे हैं आजकल, वो जो अंग्रेजी गाय होती है ना, वो कहते हैं गाय लेकिन गाय नहीं है, बड़े भयंकर रोग पनपते हैं उससे भीतर। इसलिए हमारे बहुत से संत महात्मा लगे हैं कि किसी प्रकार भारतीय गौ की रक्षा हो, क्योंकि वही गौ है। ऐसे गुरु का वचन, गुरु का वचन जीव के साथ, गुरु का वचन अनाथ को नाथ, गुरु के वचन नरक नहीं पावे, गुरु के वचन रसना अमृत रा। भट्टी का मधुवा पिलाए के प्रेम, भट्टी का मधुवा पिलाए के मतवारी कर दीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के मतवारी कर दीनी रे, मुझसे नैना छाप तिलक सब छीनी रे, उसे में कोई भी हो सकता है भाई, किसी भी आकार में हो सकता है, किसी भी भेष में हो सकता है गुरु। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है रानी रत्नावती की, उनकी दासी थी, सेवा करती थी, उनकी परिचर्या करती थी और हृदय उसका भरा था कृष्ण के अनुराग से, कृष्ण के प्रेम से। एक बार रानी की परिचर्या करते करते मुख से सहज निकल गया, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल। और कल आपको स्मरण हो तो विराम के क्षणों में मैंने कहा था कि जिसको अनुभव नहीं है वो मंत्र भी कहे तो वो केवल शब्दों का समूह है, उसमें ऊर्जा ही नहीं है, उसमें प्राण नहीं है भाई, उसमें प्राण शक्ति नहीं है, वो केवल एक मृत वाक्य है, वो केवल एक शब्दों का समूह, एक मृत वाक्य है, वो कोई लाभ नहीं होगा उससे। और जिसने अनुभव किया है उसके मुख से जो निकले वो मंत्र है, उसके मुख से जो निकले मंत्र। एक बार अकबर ने पूछा सूरदास जी से, बोले सूरदास जी कविता आप अच्छी करते हो कि तुलसीदास जी अच्छी करते हैं? सूरदास जी ने कहा कि बादशाह कविता तो मैं ही अच्छी करता हूं। अब अकबर ने सोचा था कि सूरदास जी तुलसीदास जी को यश देंगे, साधु को तो आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और सूरदास जी ने कहा नहीं, मैं ही अच्छी करता हूं। तो अकबर को ये उत्तर बड़ा अटपटा लगा, बोले क्या तुलसीदास अच्छी नहीं करते? सूरदास जी हंस दिए, बोले बादशाह कविता तो कवि करता है, मैं कविता करता हूं, तुलसी ने तो जो लिखा है वो तो एक एक शब्द मंत्र है, कर्म का बंधन काटने वाला है, एक एक शब्द मंत्र है। ऐसे ये जो वाणी है इसका एक एक शब्द मंत्र है, गुरु के मुख से, गुरु ने अपने मुख से उचारा है, चेतना के जिस धरातल पर जाकर उस परम सत्य के सर्वथा निकट होकर, और निकट होकर भी नहीं, परम सत्य से एक होकर गुरु के मुख से मिश्रित हुआ है, एक एक शब्द मंत्र है और अंतर में प्रकाश करने वाला है, मन को निर्मल करने वाला है। मेरे राम राय तू संता का संत ते, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमना आवे रे मेरे राम राय तू संता का संत ते। और वैसे भी मुझे लगता है भाई बांटने का काम तो आपने और मैंने किया है। प्रथम दिन जहां से चर्चा आरंभ हुई थी, एक बुद्धि है एक विवेक है, बुद्धि बांटना सिखाती है, एक से अनेक करना सिखाती है, विवेक सबको मिलाकर करत दोईत एक, जो द्वंद मिटा दे, जो दुविधा मिटा दे,
जो भय भ्रम मिटा दे जीवन से, वो विवेक है, जो एक कर दे, जो करत दोई थे एक। जब जब मुझे वाणी पर कहना था तो किसी ने मुझसे कहा और बड़े व्यंग भरे भाव से कहा, बोले आपको क्या आवश्यकता है ये कहने की। मैंने कहा आपको लगता होगा कि इसमें कोई और है, इसमें कुछ और है, आपको लगता होगा कि इसमें कोई और है, इसमें कुछ और है। एक बार प्रेम की दृष्टि से देखिए। महाराज ने तो पहला जो वाणी के लिए शब्द कहा सर्व सांझी गुरुवाणी, जो सबकी सांझी है, जो जीव मात्र के लिए है, जो प्राणी मात्र के लिए है। प्रेम न तो जात देखता है, भगत के कहा जनेऊ जात। और प्रेम कहा, मैं तो कहता हूं भाई, जो तन के धरातल पर घटता है वो प्रेम नहीं है। और प्रेम घटते ही मतवारी कर दीनी रे मुझसे नैना मिले के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के। जिन लोगों ने कभी थोड़ा दर्शन किया हो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, तो उसमें कबीर हैं, उसमें रैदास हैं, उसमें नामदेव हैं, उसमें फरीद हैं। प्रेम का स्वभाव है, इसीलिए ये वाणी इतनी प्रिय है, क्योंकि क्योंकि इसका उद्देश्य, इसका मूल प्रेम है, इसका कारण प्रेम है, इसका कारक प्रेम है, इसका प्रसाद भी प्रेम ही है, प्रसाद भी प्रेम है। मेरे राम राय तू संता का संत ते। एक सत्य देखती है नानक की दृष्टि, नानक की दृष्टि सत्य देखती है, सत्य नाम आद सच जुगाद सच। और जो सच्चा नाता है, जो सच्चा संबंध है, जो सदा रहता है, कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा, ये संबंध, ये संसार, ऐसा तो दिन आया होगा इस संसार में सुख ना देखा हो, लेकिन ऐसा दिन नहीं आया जब इस धरती ने संत ना देखा हो, जब इस धरती पर संत ना रहा हो। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत संत होता है भाई, साधु साधु होता है। व्यास जी कहते हैं संत सभय गुरुदेव है। संत जो कहता है वो गुरु की वाणी है, जो जीव के हित के लिए कहा गया है, जो आपके मेरे कल्याण के लिए कहा गया है, जो जो आपके मेरे मंगल के लिए, वो गुरु वाणी है। संत सभय गुरुदेव है। ये बांटने का काम तो आपने मैंने किया, ये मेरा और ये तेरा। पर ध्यान रखना, ये बुद्धि तो है पर ये विवेक नहीं है। विवेक तो एक बात देखता है, सत्य देखता है, सत्य का अनुभव करता है, सत्य कहता है। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय दृष्टि डालिए। प्रकृति के पास रहने से, निकट रहने से मन में एक पवित्रता आती है। आप कभी देखिए प्रकृति को। वृक्ष कभी फल लेने वाले की जाति नहीं पूछता, वो छाया देने से पहले धर्म नहीं पूछता। गंगा की धारा सबको पवित्र करती है, इसीलिए तो आप पवित्र है, सबको पवित्र करती है। आप जपे औरा नाम जपावे, सबको पवित्र करती है।
और मनुष्य कितनी भी उन्नत तकनीक क्यों ना विकसित कर ले, मनुष्य कितनी भी उन्नत तकनीक क्यों ना विकसित कर ले, पर मनुष्य में मनुष्यता, मानव में मानवता अगर कभी विकसित हो सकती है तो केवल संत की वाणी से हो सकती है, संत के विचार से हो सकती है। कभी देखिए प्रकृति को, आप वृक्ष को पत्थर मारते हैं वो आपको फल देता है, ये प्रकृति है। आप उसे पत्थर मारते हैं, आप उस पर प्रहार करते हैं वो आपको फल देता है। वृक्ष नहीं पूछता अपनी छाया में बैठने वाले से उसका नाम पता, उसकी जात पात, उसका कुल धर्म, छाया देता है। इसलिए बाबा फरीद कहते हैं, चार चफेरे कानू टकरा मारने, वे जितियां हुईयां बाजियां कानू हारने, वेख ओ सोना हर हर देविच वसदा, तेरियां उकर तूता वेख के हसदा, करे गवाची चीज टंडोरा शहर विच, फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच, तेरे दिल विच बंद खजाना नूर दा, वे कर विच बैठा कर ले जलवा दूर दा, कैन सियाने दिल है खाना रब दा, जे लब्बे ते यार खजाना लब दा, उठ फरीदा वेख अकल गया अन्या, वे कुदरत वेखी फिर भी रब ना मन्या, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदे, वे तू जहान तो की लेने तेनू यार चाहिदे, इस सिर नू चुकाना एक वार चाहिदे, वे तू जहान तो की लेने तेनू यार चाहिदे। आप शिष्य बनिए, प्रकृति का कण कण गुरु बनकर सिखा रहा है आपको कैसे जीवन निर्मल हो जाए। आप सीखिए तो, आप सीखना चाहते हो प्रकृति आपको सिखाती है। संत सभय गुरुदेव हैं, मीरा सूर कबीर तुलसी नानक रैदास जो कहते हैं वो गुरु की वाणी तो है, वो दरबार से आई है, वो दरबार से उतरी है, दरबार तक ले जाने के लिए ही उतरी है। अक्षर धुर की पालकी और आई रसिकन लैन, प्रभु के द्वार से आई है, प्रभु के द्वार तक ले जाने के लिए आई है, यही संत की वाणी का गुण है। मेरे राम राय तू संता का संत थे, दुख ना साथ तेरी वक्षना बेटे
सतगुरु का दिलासा, मेरे राम जाए, कैसी भावना हो गुरु के प्रति, ये गुरु की वाणी सिखाती है। क्या कैसी गुरु की महिमा, कैसा उसका स्वरूप, कैसा उसका स्वभाव, कैसा उसका प्रसाद, क्या न्योछावर किया जाए गुरु पे, क्या न्योछावर किया जाए गुरु पे। गुरु की शरण रहूं कर जो, गुरु बिना मैं ना ही हो। पार ब्रह्म पूरन गुरुदेव, कर कृपा लगूं तेरी से। और कल रात को मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था कि महाराज ने बार बार, कभी महाराज ने अकेला गुरु नहीं कहा, बार बार कहा गुरु पूरा, पूर्ण गुरुदेव, सतगुरु पूरा पाया। ये पूरा शब्द क्यों कहा, बार बार कहा वाणी में महाराज ने, बार बार उच्चारण किया गुरु पूरा, पूरा गुरु। क्योंकि ऐसे महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, देखा होगा संसार में ऐसा समय आएगा, संसार में ऐसा समय आएगा जब लोभी दंभी और गुरु घने, जब बहुतायत हो जाएगी लोभियों की दंभियों की, फिर भटक जाएगा भोला भाला जीव, जिसके पास पहले ही विवेक नहीं है, जिसके पास सही मार्ग चुनने का विवेक नहीं है, योग्यता नहीं है, वो बेचारा भूल जाएगा, भटक जाएगा। इसीलिए स्थान स्थान पर महाराज ने चेताया भी है, स्थान स्थान पर महाराज ने जगाया भी है।
इसलिए मैंने आज आरंभ किया, जिसके पास बैठकर तन की व्याधि दूर हो जाए, मन की उपाधि दूर हो जाए, मन की जो चंचलता है ना, जो संसार का संकल्प विकल्प बड़ी तीव्र गति से मन में बार बार आता है और आपको पीड़ित करके चला जाता है। इसीलिए मैंने पहले कहा था, संसार में भाई सुख में भी दुख है और दुख में तो दुख है ही, दुख में बड़ा दुख है, सुख में और बड़ा दुख है। चैन कहां है यहां, जीव को कहां चैन है, कहां सुख देखा है किसी ने यहां, मन उपाधि रहित हो जाए। मैंने कहा ना, दो घड़ी चैन की सांस आए, सुख की अनुभूति हो, विश्राम की अनुभूति हो, जिसके पास बैठकर। और बहुत ही सरल शब्दों में कह दूं अगर मैं तो, जिसकी शरण में जाकर आपका मांगना छूट जाए, जिसकी जिसकी शरण में जाकर आपका मांगना छूट जाए।